आपसी वृद्धि स्वर संधि बन जाएगा। इससे हटके बाहर से कुछ शब्द नहीं आने वाला है। वृद्धि स्वर संधि में या तो बड़े ए की मात्रा आएगी या फिर बड़ी औ की मात्रा आती है। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। यदि आपको जानना हो कि वृद्धि स्वर संधि कैसे बनते हैं और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, तो सिर्फ आप दो बातों को याद रखिए कि पहली बात है ये ए की मात्रा, ए या फिर ए बोल सकते हैं, जो बड़ी ए या बड़ी ए की मात्रा है यह है, और दूसरा है हमारा औ की मात्रा। इन दो बातों को ध्यान में रखिए, आपसी वृद्धि स्वर संधि बन जाएगा। इससे हटके बाहर से कुछ शब्द नहीं आने वाला है। वृद्धि स्वर संधि में या तो बड़े ए की मात्रा आएगी या फिर बड़ी औ की मात्रा आती है। अब बस सिंपल ये जानना है कि बड़ी ए की मात्रा बनती कैसी है और बड़ी औ की मात्रा बनती कैसे है। तो बड़ी ए की मात्रा के लिए यदि अ के साथ ए जोड़ दिया जाए तब बड़ी ए की मात्रा बन जाती है। या फिर मान लो कि बड़ा अ की मात्रा है और उसके साथ यदि ए को जोड़ रहे हैं तब भी होता है ए की मात्रा। तो ये आते हैं वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। और इसी प्रकार से यदि हम अ की मात्रा के लिए देखते हैं तो आ के साथ यदि ओ जोड़ दिया जाए, या फिर मान लेते हैं कि जो आ की मात्रा होती है उसके साथ ओ या फिर औ जोड़ दिया जाए, तो इस स्थिति में हमको बड़ी औ की मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो वृद्धि स्वर संधि में हमको सिर्फ दो चीज़ों को याद रखनी है। पहला है हमारा यह ए की मात्रा और दूसरा है हमारा यह औ की मात्रा, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि सिर्फ इन्हीं दो मात्राओं से मिल करके बनी हुई होती है। अब हम वृद्धि स्वर संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसके बाद आपके मन में यदि कुछ डाउट होंगे तो वे सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक शब्द लिखता हूँ सदा, और इस शब्द में यदि मैं जोड़ देता हूँ कि एओ, सदा में एओ जोड़ दिया, तो अब बनेगा क्या? सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी मात्रा है। तो यहाँ पर है आ की मात्रा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पर है ए की मात्रा। अब हम नियम देखते हैं कि आ और ए, यदि आ और ए आए तो ए की मात्रा होती है। तो सदा और एओ जुड़ करके हो जाएंगे सदैव। तो जहां पर भी बड़े ए की मात्रा आए वहां पर होता है वृद्धि स्वर संधि। इसी के अंदर हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मत धन एकता। मत धन एकता, ता मतलब व्यंजन है, मतलब अ छिपा हुआ है। यहाँ पे ए की मात्रा है शुरुआत में और यहाँ पे अ छिपा हुआ है। अ और ए दोनों जुड़ के क्या बनेंगे? बड़े ए की मात्रा। तो मत और एकता जुड़ करके हो जाएंगे मतैकता। इस तरीके से मतैकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की मात्रा है, यहाँ पर भी ए की मात्रा है। तो ए की मात्रा जहाँ पे हो वह वृद्धि स्वर संधि होता है। अब हम औ की मात्रा के लिए देखते हैं, तो औ की मात्रा के लिए जैसे कि एक शब्द होता है महाधन ओज। महाधन ओज, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ी अ की मात्रा है। यहाँ पे कौन सी मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है। और आ और ओ को यदि जोड़ दिया जाए तो यहाँ से नियम से देख सकते हैं कि औ की मात्रा हमें मिल जाती है। तो यहाँ से हमें औ की मात्रा मिल जाएगी। तो महाधन ओज ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे महाओज। तो यहाँ पे हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, यहाँ पे हमें औ की मात्रा मिल रही है। तो वृद्धि स्वर संधि जो होता है उसमें हमें ए या फिर औ की मात्रा मिलती है। यदि आप इन्हें लिखित रूप में देखना चाहते हैं या फिर इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।